हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि जहां पर लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर चर्चा की जा रही है। साफ तौर पर इसमें रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, दीपेंद्र हुड्डा, इसके साथ ही हरियाणा के अन्य तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। जहां थोड़ी देर बाद शैलजा कुमारी बैठक से बाहर निकल गई, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला बैठक में चर्चा करते रहे। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। टिकट बंटवारे को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता सौम्या मिश्रा। सौम्या, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आशीष, अभी अंदर बैठक चल रही है और साफ तौर पर जो है आज लगभग 66-67 सीटों पर जो है वो मंथन किया गया है। इसके साथ ही जैसा कि कुमारी शैलजा ने बताया कि अभी जो है 90 सीटों पर उनसे जो है वो कहा गया है कि आप भी अपनी राय रखिए। उन्होंने अपनी राय रखी है, हालांकि आगे को लेकर के उन्होंने कहा है कि उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर जो टिकट पर बदलाव होंगे उसे लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये हाईकमान का फैसला है और वही इस पर अपनी राय रखेंगे। क्या उम्मीद है जिस प्रकार से टिकट बंटवारे को लेकर मंथन किया जा रहा है, लोगों में काफी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है, असमंजस का माहौल भी देखा जा रहा है। एक और जहां बीजेपी की बात करें, पहली सूची के साथ ही बगावत के सुर सामने आ रहे हैं, तो वहीं ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति क्या बैलेंस बनाने की जिससे कि बगावत जैसे सुर नहीं देखने को मिले? अब बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी मची हुई है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ से हर कोई जो है वो राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। हर किसी को आगे बढ़ना और अपने राज्य के लिए सेवा करने की एक भावना रहती है, और ऐसे में अभी टिकट को लेकर जिस तरीके से भीड़ है इकट्ठा, अगर बीजेपी की बात करें जिस तरीके से वहां पर टिकट बंटवारे को लेकर के लोगों के अंदर जो पहले के अभी मौजूदा एमएलए थे उनमें भी जिस तरीके से नाराजगी है, उसके सिवा जिन लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन नहीं मिली उनके अंदर जिस तरह से नाराजगी है, साफ तौर पर ये तय जो है वो दिखा रहा है, ये तय कर रहा है कि आने वाले हरियाणा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को लेकर के पुराने नेताओं से लेकर के नए नेताओं तक सभी में नाराजगी। लक्ष्मण नापा की बात करें, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और इसके साथ ही जो है साफ तौर पर जो पांच और अन्य नेता है उन्होंने बीजेपी से अपना दामन छुड़ा लिया है, और अब ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस का दामन अभी और भी नए नेता जो है वो थामेंगे। आने वाले समय में कई नई ज्वाइनिंग हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, और इस सबके बीच इस सीटों को लेकर के लगातार जो है बीजेपी में लड़ी लगी हुई है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता सौम्या मिश्रा, जिन्होंने बताया कि लगातार टकटकी लगाकर नेता इस मीटिंग से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस